हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स देखिए आज मैं ये एक जूती का पैटर्न लेके आई हूँ इजी है बनाने में ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी ये जो नाप है मेरा ये जूती का जो नाप है ये है फोर नंबर फुट साइज के हिसाब से आप अपने फुट साइज के हिसाब से कुछ फंदे एक्स्ट्रा करके या कम करके इसको बना सकती है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी बहुत ही इजी पैटर्न है ये दो कलर मैंने लगाया है एक डार्क एक लाइट ये डार्क पर्पल कलर है ये पिंक कलर है आप अपने मनपसंद कोई भी कलर लगा सकती है मैंने बनाया है इसको बेबी वूल से और दस नंबर की सिलाई से इसमें नीचे देखिए ये सिलाई आई है और साइड में नीचे से बनना स्टार्ट हुआ है ये और ऊपर आके हमारी ये जूती का पैटर्न जो है वो फिनिश हो जाता है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसको बनाने के लिए देखिए हमारा जो ऊन है जो हमने डिजाइन डालनी है वो बहुत थोड़ा सा ऊन आपके पास अगर बचा बचा भी है तो उससे बन जाएगा बेस कलर के लिए अगर आप एक लच्छी ऊन लेती हैं, आजकल की लच्छी जो है लगभग 80 से 100 ग्राम आती है बेबी वूल है ये तो इसमें आप दो सेट आराम से बना लेंगी अगर आप 50 ग्राम ऊन लेती है या एक लच्छी लेती हैं तो आपका ये जो पैटर्न है बहुत आराम से बन जाएगा तो बेस कलर से मैं इसको बनाऊंगी फंदे डालेंगे हम नीचे से फंदे डालना स्टार्ट करेंगे और ये देखिए ये मैंने दस नंबर की सलाई से बनाया है आपका हाथ जैसा है टाइट है लूज है उसके हिसाब से आप सलाई लीजिएगा तो मैंने ये देखिए दस नंबर की सलाई से हम इसमें पहले फंदा डाल लेंगे तो एक लूप ऐसे बना लीजिए और ये जो फंदे हम डालेंगे बहुत टाइट नहीं डालेंगे थोड़े ढीले ढीले रहने चाहिए सिलाई पे अच्छे से जैसे फंदे मूव हो सके क्योंकि ये नीचे का पोर्सन है नीचे तले में हम सिलाई करेंगे तो वहां सिकन ना आए इसके लिए हम फंदे थोड़े बहुत लूज नहीं लेकिन लूज रखेंगे जिससे सिलाई पर देखिए ये सर अच्छे से मूव हो सके तो मैं इसमें डालूंगी टोटल एट्टी सेवन फंदे यानी कि सतासी फंदे ये देखिए इस तरीके से फंदे डाल लेंगे टोटल सत्तासी फंदे सबसे पहले डाल लेते हैं एटी सेवन फंदे ये देखिए ये मैंने फंदे डाल लिए हैं टोटल सत्तासी फंदे एटी सेवन फंदे ये हमारा रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड से ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे अब देखिए पहला फंदा उतार लेते हैं पूरी सिलाई ऐसे उल्टा उल्टा बिनेंगे लास्ट फंदे तक लास्ट वाला फंदा हम बनाएंगे सीधा तो इस तरीके से पूरी सलाई हम बिन लेंगे उल्टा उल्टा टोटल फंदे जितने भी हमारे हैं सबको उल्टा उल्टा बिन लेंगे देखिए टोटल सारे फंदे लास्ट फंदे रहने तक बिन लेंगे ये देखिए पूरी सलाई इस तरीके से उल्टा उल्टा बिनने के बाद लास्ट वाला फंदा ऐसे हम सीधा बिन देंगे ये हो गई हमारी पहली सलाई इसी तरीके से हम दूसरी सलाई भी बनाएंगे पहला फंदा उतार लेंगे और पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे इन्हीं दो सलाइयों को बनाते हुए टोटल हम 16 सलाई बनाएंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा आठ लाइनिंग हमारी आ जाएगी इसके बाद हमारा ये जो डिजाइन बना है वो डालना हम स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए हम नीचे का ये जो बेस है ये बनाएंगे ये हमारी है आठ लाइनिंग आठ लाइनिंग पहले हम बना लेंगे इसके बाद ये डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले नीचे का ये पोर्शन यानी कि सोलह सलाई सोलह सलाई जब हम बीनेंगे तो आठ लाइनिंग हमारी ये आएगी ये देखिए यहाँ पे ये हमारी एक दो तीन चार पांच छह सात और ये लास्ट आठ आठ लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है अब हमारा यहाँ पे डिजाइन स्टार्ट होगा ये डिजाइन सबसे पहले यहां नीचे वाली और इसके बाद फिर ये तो यहाँ पे अब मैं अपना ये जो कलर है इसको ऐड कर लूंगी यहाँ पे डबल नॉट लगा लेंगे और डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये डिजाइन बहुत ही इजी है आपने बनाई भी होगी तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए एक दो तीन रोंग साइड से हम डिजाइन बना रहे तीन फंदे हमने उल्टे बिन लिए एक फंदा हम उतार लेंगे फिर देखिए एक दो तीन और एक उतार लेंगे तीन फंदे उल्टे बिनेंगे और ये उतार लेंगे इसी तरीके से पूरी सलाई तीन फंदे उल्टे बीनेंगे एक फंदा हम उतार लेंगे अब आपको यहाँ से एक चीज बस ध्यान रखिए अगर आपको बड़ा बनाना है इससे फुट साइज आपका तो ये जो चार फंदे हमारे हैं, इन्ही को आप और प्लस करते जाइए तो आपका बड़ा साइज भी बन जाएगा ये मेरा चार नंबर है आप पांच नंबर के लिए आठ फंदे प्लस कर लीजिए छह और सात नंबर के लिए और चार चार फंदे प्लस कर लीजिए लेकिन नाइन्टी फाइव प्लस फोर नाइन्टी नाइन और प्लस फोर कर करके आप इस तरह से अगर करेंगी तो आपके छह नंबर सात नंबर तक अच्छे से आ जाएंगे ये मेरा चार नंबर है मैंने एटी सेवन फंदे इसमें रखे हैं डिजाइन के हिसाब से आप चार चार फंदे प्लस कर सकती हैं बड़े पैर के लिए छोटा करना है तो आप चार माइनस कर दीजिए तो ये डिजाइन भी सेट हो जाएगी और पैर के शेप में भी ये फिट आ जाएगा तो ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं तीन फंदा उल्टा बिनेंगे एक फंदा बिना बुने उतार लेंगे ये देखिए अब यहाँ पे ये उतार के और ये हो गया हमारा लास्ट वाला डिजाइन लास्ट फंदा सी था अब ये आ गया हमारा राइट साइड तो राइट साइड से भी हम उल्टी बिनाई ही करेंगे लेकिन देखिए यहाँ पे ये पहला फंदा उतार लीजिए, ये तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए ऊन पीछे करके ये उतारा हुआ फंदा उतारेंगे फिर ऊन आगे कर लेंगे और इसके बाद फिर तीन फंदे उल्टे बिन लेंगे तो ये जो हम दूसरे कलर से डिजाइन बना रहे हैं दोनों तरफ से उल्टी बिनाई ही करनी है लेकिन जो फंदा हमने रॉन्ग साइड से बिना धागा पलटे उतारा था यहाँ पे देखिये तीन फंदा बिन के ऊन पीछे करके फंदा उतारेंगे फिर ऊन आगे कर लेंगे और फिर ये तीन फंदे इस तरीके से बना लेंगे ऊन पीछे एक फंदा उतार लिया बिना बुने ऊन आगे और ये तीन फंदे हमारे उल्टे इसी तरीके से पूरी सलाई हम बना लेंगे ये डिजाइन की दूसरी लाइन ये देखिए ये हमारी डिजाइन की दूसरी लाइन भी यहाँ पे पूरी हो गई अब दूसरे वाले कलर से फिर से हम डालेंगे तो अब यहाँ पे देखिए पहला फंदा दूसरे कलर से हम बीनेंगे ये जो तीन फंदे थे इसके बीच वाला फंदा हम उतारेंगे तो यहाँ पे पहला फंदा हम बीन लेंगे दूसरा फंदा बिना बुने उतार लेंगे और अब यहां से ये यह देखिए ये और ये जो हमने पहले उतारा था ये इन तीन फंदों को हम उल्टा भी लेंगे तो एक दो और ये तीन अब ये फंदा उतार लेंगे बिना बुने फिर एक दो तीन और ये बिना बुने उतार लेंगे जो पहले के तीन फंदे थे उसमें से ये बीच वाला फंदा उतारेंगे और जो फंदा हमने उतारा था उसके आगे और पीछे ये मिला के तीन फंदे हम बिन लेंगे तो पूरी सलाई इस तरीके से बिन लेंगे तीन फंदा अब ये बीच वाला फंदा उतार के तीन फंदा उल्टा ये एक फंदा उतार लेंगे तो इस तरीके से देखिए ये जो पहली बार हमारा तीन फंदा बिना हुआ था उसके बीच का फंदा ये हम उतार रहे हैं और जो फंदा हमने उतारा था उसके दोनों किनारों के फंदे लेते हुए ये तीन फंदे हमने पिनना है तो ये सिलाई इसी तरीके से बना लेते हैं ये देखिए लास्ट वाला फंदा बिना बुने उतारा और ये ऐसे अब यहाँ पे ये फंदा भी किनारे का हम उतार लेंगे इसके बाद ये डिजाइन वाला भी फंदा उतार लेंगे और यहाँ से फिर हम ऊन आगे करेंगे और अब ये एक दो तीन उल्टा ऊन पीछे करेंगे और उतारा हुआ फंदा उतार के फिर से ऊन आगे कर लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से, से जो तीसरी सॉरी चौथी लाइन है दूसरे कलर की डिजाइन से तो इस तरीके से हमारी आएगी ये फंदा उतार लेंगे ऊन अपनी तरफ एक दो तीन उल्टा ऊन पीछे और जिस फंदे को उतारा था उस फंदे को फिर से उतार के ऊन आगे और ये तीन उल्टा तो ये डिजाइन की चौथी लाइन हम इसी तरीके से बना लेंगे राइट साइड है हमारा इसलिए हम धागा पीछे करके फंदा उतार रहे हैं तो ये देखिए ये पीछे की तरफ हमारा ये आता है पैटर्न और राइट साइड में हमारा डिजाइन बिल्कुल क्लियर आता है तो चौथी सिलाई इसी तरीके से ये देखिए डिजाइन की चौथी लाइन इस तरीके से लास्ट वाला फंदा भी सीधा पूरी हो गई अब डिजाइन की पांचवी लाइन हम डिजाइन के पहली लाइन की तरह बनाएंगे जैसे हमने यहां पे नीचे बनाया था तो अब देखिए यहां से ये तीन फंदे हम अपने दूसरे कलर से बिन लेंगे क्योंकि ये देखिए ये पहला फंदा ये फंदा जो हमने उतारा था इसको भी बिनना है तो ये फंदे के इधर और पहला फंदा ये देखिए इसको हमने इस तरह से बिन लेना है और फिर चौथा फंदा हम उतार लेंगे तो बस इस डिजाइन को इतना याद रखिएगा कि पहले बार जब हम इसको बनाएंगे तो तीन फंदे बीनेंगे चौथा उतारेंगे और जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तो एक फंदा बिनने के बाद दूसरा फंदा हम उतार लेंगे फिर हम तीन फंदा बिन के एक फंदा उतारते जाएंगे तो हमारी ये डिजाइन ऐसे सेट होती जाएगी तो ये वाला डिजाइन पहली वाली डिजाइन की तरह ही तीन फंदा उतार बिन के एक फंदा उतार लेंगे तीन बीनेंगे एक उतारेंगे बिना बुने और राइट साइड से फिर सेम तीन बिन के उन पीछे करके ये उतार लेंगे तो इस वाली डिजाइन की तरह इस लाइन को भी दोनों लाइन को मैं बना लेती हूँ फिर इसके आगे हमको क्या करना है वो मैं ये दो लाइन कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी ये देखिए ये छह सिलाइयों की हमारी डिजाइन इस तरीके से बनके आएगी पहली दूसरी सिलाई को हमने फिर से रिपीट किया है पांचवी और छठवीं सिलाई में और ये देखिए इस तरीके से अब यहां से हम अपने डार्क वाले कलर से पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे कोई डिजाइन नहीं डालना है यहां पे तो इस तरीके से देखिए सारे ही फंदे को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन लेंगे सारा फंदा इस तरीके से उल्टा उल्टा दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिनते हुए हम बनाएंगे चार सलाई यहां पे देखिए ये इस तरीके से इसके बाद फिर यही सेम डिजाइन डालेंगे फिर चार सलाई ये बीनेंगे इसके बाद हमारा बाकी का पैटर्न स्टार्ट होगा तो ये डिजाइन जो हम अभी हमने छह सलाई की बनाई है फिर यहाँ पे देखिए चार सलाई बीनने से ये दो लाइनिंग आएगी फिर यहाँ पे हम छह सलाई बनाएंगे फिर सादा चार सलाई तो ये इतना बिल्कुल नॉर्मल जैसे बनते आ रहा है सीधे सीधे बनाना है इसके ऊपर हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं ये चार सलाई ये छह सलाई फिर ये चार सलाई इसके बाद हम ऊपर का बनाएंगे ये जो हमारा बना है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए देखिए ये बन गया एक डिजाइन चार सलाई और हम बीनेंगे दोनों तरफ से उल्टी बिनाई ही करनी है चार सिलाई बनाने के बाद फिर सेम डिजाइन और इसके बाद फिर से चार सलाई इसके बाद आगे का हम बनाएंगे ये देखिए यहाँ पे ये चार सलाई ये फिर छह सिलाई ये और चार सिलाई ये बनाने के बाद रॉन्ग साइड से एक उल्टी सिलाई मैंने बना ली है अब ये इतना हमारा तैयार है अब यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर का ये पोर्शन है यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे तो ये फंदे घटाने के लिए देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हम ट्वेंटी वन फंदे यानी कि इक्कीस फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे तो ये पहला फंदा उतार लेंगे अब यहां से आप काउंट करिए एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और ये इक्कीस ये हमने बिन लिए अब बीच में हम फंदे दो का एक करेंगे और लास्ट में हम 22 फंदे यानी कि 22 फंदे छोड़ देंगे क्योंकि हमारा एक फंदा ज्यादा है या एक फंदा कम आप मान लीजिए 87 फंदे हैं तो एक फंदा हमारा अलग है बाकी दो दो के जोड़ हैं तो अब यहां से देखिए दो का एक करते जाएंगे तो ये देखिए एक दो तीन चार पांच सा सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस ये देखिए ये हमने दो का एक कर लिया और अब लास्ट में यहाँ पे देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस और ये बाईस बाईस फंदे इधर बचे हैं अब इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से सारे फंदे भी हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे तो ये इतना हमारा ऐसे बन के आएगा ये देखिए ये पूरी सलाई इस तरीके से आप इसे अगर बड़ा बनाती हैं आप 95 फंदे डालिए और किनारों पे आप 25 25 25 26 रखिए और बीच के जो फंदे हैं आप उसको घटा दीजिए तो ये देखिए इस तरह से ये हमने घटा लिया अब इधर से सारी सलाई उल्टी बिनाई से बिन लेनी है कोई फंदा यहाँ पे बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं बस पहला फंदा उतार के सारी सलाई उल्टी बिनाई से कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से पूरा हम बिन लेंगे ये देखिए रॉन्ग साइड से हमने पूरी सिलाई बिन के उल्टी बिनाई से कंप्लीट कर ली है अब ये देखिए अब सीधी तरफ से एक बार फिर ट्वेंटी वन फंदे स्टार्टिंग में हम बिन लेंगे बिना कुछ किए कोई इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है तो पहला फंदा उतार के फिर से देखिए दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और ये इक्कीस ये फंदे फिर से बराबर बीन लिया कहीं कुछ घटा बढ़ा नहीं है अब बीस में जो हमने ट्वेंटी टू टाइम दो फंदे के एक फंदे किए थे अब उनको हम एक बार फिर से दो का एक करेंगे तो अब देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह जो ट्वेंटी टू थे उसको हमने ग्यारह बार करके घटा लिए और अब इधर फिर से देखिए दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह, बीस और बाईस जो फंदे हमारे पहले थे वही फंदे बचे हैं अब इनको भी हम इधर से पूरा बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से फिर से पूरी सिलाई हम उल्टी बिनाई से बना लेंगे तो ये हमारी सलाई पूरी इस तरह से बना लेंगे बीच के जो फंदे हैं वो हमारे सेम घटेंगे जैसे पहली बार हमने घटाया और दूसरी बार साइड साइड के फंदे भी सेम रहेंगे पहली बार और दूसरी बार आपको बड़ा बनाना है तो जो भी फंदे आप एक्स्ट्रा रखिएगा वो आप बीच में ना करके दोनों किनारों पे प्लस करिएगा जैसे आप अगर 95 फंदे का बनाती हैं तो मेरा 87 फंदा है तो आपका टोटल आठ फंदा एक्स्ट्रा हुआ तो चार इधर प्लस करिएगा चार इधर प्लस करिएगा तो आपका 25 इधर हो जाएगा 26 इधर हो जाएगा बीच के जो फंदे हैं वो सेम रहेंगे तो इस तरीके से देखिए अब ये उल्टी सिलाई भी बिन के पूरी कर लेते हैं इधर भी कुछ नहीं करना है सिर्फ पूरी बिनाई से इसको कंप्लीट करना है कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है तो इसको भी पूरा कर लेते हैं ये देखिए कंप्लीट हो गया अब राइट साइड है हमारा ये अब यहां पे हम सारे फंदे बंद कर देंगे तो इस तरीके से दो का एक दो का एक करते हुए हम सारे फंदे इस तरीके से बंद कर देंगे ये फंदा सलाई पे चढ़ाया ये दो फंदा लिया और दोनों को लेके एक संग बिन देंगे फिर इसी तरीके से देखिए ये दो का एक दो का एक करते हुए यहाँ पे ये हमारी बिनाई कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से फंदे उतारने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये देखिए राइट साइड में हम इसको उल्टा उल्टा बिनते हुए बंद कर देंगे दे सारे फंदे फिर हम सिलाई करेंगे देखिए इस तरीके से सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे ये। और अब हम अपना गोला इसमें से निकाल के और यहीं से हम थोड़ा बड़ा सा ऊन कट कर लेंगे और इसी से हम सिलाई कर लेंगे इसी धागे को हम ले लेंगे सुई में ये देखिए इस तरीके से हमारा ये आएगा ऐसे अब इसको हमें सिलना है तो इस तरह से पलट देंगे ये देखिए इस तरीके से रॉन्ग साइड से और इसकी हम सिलाई कर लेंगे सिलाई करने के लिए जैसे भी आपको इजी पड़े आप सिल सकती है यहाँ पे जो हमने फंदा उतारा है पहला उसी को लेते हुए हम इसको ऐसे सिलाई कर लेंगे ये देखिए इसको ऐसे मिलाते जाइए और आप ये यहां से देखिए ये लास्ट का और ये इधर का स्टार्टिंग का इन दोनों को लेके सिलिए या आपको जैसे भी इजी पड़ता है आप इसको सिल सकती हैं बहुत ही इजी पैटर्न है इस तरह से देखिए ये लेते हुए हम इसको सिलते चले जाएंगे यहां से लेके पहले यहां तक सिल लेते हैं ये दोनों को देखिए इस तरीके से हमने अंदर की तरफ जो है उसको लेके पकड़ के सिलना स्टार्ट किया है तो ये देखिए ऐसे ये ये देखिए यहाँ तक आ गए हम अब इसको एक्स्ट्रा ऊन जो है उसको कट कर देंगे और आप चाहे तो इसको सिलाई में ऐसे फसाती जाइए तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा अब यहाँ का भी देखिए इधर से हम ये पकड़ेंगे और इधर से ये ऐसे करते हुए पूरा यहां से लेके यहाँ तक एकदम सेंटर तक इसकी सिलाई हम कर लेंगे जैसे अभी तक हमने यहाँ का सिला है इसी तरीके से इसको भी हम सिलेंगे तो इसी तरह से पूरा देखिए किनारे से ऐसे लेते हुए और ये इसको सिलते चले जाइए बहुत ही इजी है अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए तो आपको जैसे भी आता है आप उस तरीके से इसकी सिलाई कर सकती हैं ये देखिए तो इसको भी सिल लेते हैं पूरा ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई और अब जो हमारा धागा है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ रिवर्स करके इस तरह से कट कर देंगे तो ये इसी में अच्छे से फंस जाएगा तो अब देखिए ये पैटर्न है तैयार इस तरीके से दोनों पैर का बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा कोई अंतर नहीं है आप कोई भी सॉक्स किसी भी पैर में पहन सकती हैं तो ये इस तरह से देखिए ये सिलाई हमारी आई है और ये ऐसे बन के तैयार है देखिए ये भी इस तरीके से आएगा तो ये दोनों पैर का बिल्कुल एक जैसा बनेगा आप किसी को भी किसी भी पैर में पहन सकती हैं और ये इस तरह से हमारा पैटर्न है तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये डिजाइन ये पैटर्न और ये जूती आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये पसंद आती है जूती मेरी तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाय